संवाद कार्यक्रम के तहत पहला चरण का आज हम लोग सब लोग मधुबनी के जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर के, बूथ स्तर के, ब्लॉक लेवल के, जिला लेवल के सभी लोगों से जो है संवाद का कार्यक्रम है। और इसकी शुरुआत जो है समस्तीपुर कर्पूरी जी के धरती से हम लोगों ने उनको नमन करते हुए इसकी शुरुआत की थी। समस्तीपुर, उजियारपुर, दरभंगा और आज मधुबनी, कल झंझारपुर के सभी वर्करों से हमारी मुलाकात होगी, बैठक होगी। और कार्यकर्ता संवाद का यही उद्देश्य है कि पार्टी में संगठन को लेकर के और मजबूत किया जाए, विचारधारा को और मजबूत किया जाए और संगठन का जो है विस्तार और हम लोग ढंग से करें। ज़मीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता ही लड़ते हैं और हर जगह की अलग समस्या है। और कार्यकर्ता क्योंकि अलग अलग पंचायत के, अलग अलग बूथ के, अलग अलग प्रखंड के आएंगे तो अलग अलग जगह की जानकारी भी, वहाँ की स्थानीय समस्याओं का भी जिक्र होगा। कार्यकर्ता जो होते हैं पार्टी के बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं और इसलिए एक अनोखा कार्यक्रम है कि डायरेक्ट पंचायत लेवल के वर्करों से इंटरेक्शन हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जनसभाओं में, रैलियों में, रोड शोज में जो मेहनत करते हैं, जो पार्टी का झंडा धोते हैं, जो धंधा प्रदर्शन लाठी खाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, तो उनके बीच जाकर के उनके सुझाव को भी लिया जाएगा कि और आगे चल के पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। तो इस कार्यक्रम के तहत हम लोग आज मधुबनी हम लोग पहुँचे हैं और आज का कार्यक्रम यही रहेगा कि सभी वर्करों से बुला करके बात करें। हम समझते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दरभंगा हो, मधुबनी हो, झंझारपुर हो, यहाँ गरीबी बहुत है और सबसे ज़्यादा पलायन बहुत है। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है प्रति व्यक्ति आय में अगर देखा जाए, 2,90,00,000 जो भारत सरकार ने आंकड़ा दिया है कि भारत बिहार से पलायन जो लोग करते हैं, जो कि ये आंकड़ा भारत सरकार ने दिया लेकिन हकीकत जो है 3 से 4 करोड़ लोग बिहार के दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, काम करते हैं। यहाँ गरीबी बहुत है, बाढ़ की समस्या बनी रहती है और लगातार मधुबनी से 2009 से ही अगर देखा जाए तो भाजपा यहाँ से सांसद में जीतती रही है। सबसे ज़्यादा अगर विधायक अगर देखा जाए मधुबनी झंझारपुर में तो सबसे ज़्यादा विधायक भी NDA के हैं। 20 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में 11 साल से सरकार है, अहमच के लोग यहाँ से वोट देता है NDA को, लेकिन बदले में क्या मिलता है? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, लाचारी। इतना बड़ा एग्रो इंडस्ट्री हो सकता है, यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुल सकते हैं, कारखाने खोले जा सकते हैं, पलायन रोका जा सकता है। तो लोग जो हैं अभी भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जिन समस्याओं से वो पहले जूझते हैं। पुल पुलिये हो, इस सरकार में ऐसे गिरते हैं, भ्रष्टाचार इस कीमत हो चुका है, थाना चले जाइए, ब्लॉक लेवल चले जाइए, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। खास तौर पे अभी भी आप देखिएगा जो ज़मीन की नापी वगैरह जो हो रही है या लैंड सर्वे हो रहा है, इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, लोग परेशान हैं। हत्या, लूट, अपहरण, डकैती,
ये तो अब आम बात हो गई है, लोगों ने जीना अब जो है सीख लिया है। सरकार को कोई मतलब नहीं, पुलिस को कोई मतलब नहीं, पुलिस शराब के पीछे, परिवार पीड़ित परिवार को न्याय मिले ना मिले इससे कोई किसी को लेना देना नहीं, कोई मिलने नहीं जाता है, कुछ नहीं है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, शराबबंदी वाले लोग जो हैं अभी पकड़े गए हैं। जदयू का ब्लॉक का अध्यक्ष था जो शराब का कारोबारी करता था, जुआ का कारोबारी करता था, इन लोगों को संरक्षण दिया जाता है। अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, पेपर लीक होता है, सबको संरक्षण दिया जाता है, कौन है दोषी? तो बिहार जो है बदहाल स्थिति में है, और ख़ास तौर पे ये उत्तर बिहार के जो ये बड़े ज़िले हैं मधुबनी दरभंगा, यहाँ लोग जो है गरीबी से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, पलायन बड़ी तादाद में हो रहा है। हमने पहले भी कहा था बिजली के बिल से भी यहाँ लोग जो है सब लोग जो है परेशान हैं, जो स्मार्ट मीटर जो लगा है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, आय हो नहीं रहा है, महंगा हर चीज़ हो रहा है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग बिहार के लोगों को उपलब्ध कराएंगे, और ख़ास तौर पे मिथिलांचल के लिए, मिथिला के लिए एक अलग से हम लोग जो है MDA मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जो है हम लोग कराएंगे, ताकि विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या हर मामलों में जो है मिथिलांचल का इलाका डेवलप करें। मिथिला का अलग इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, कल्चरल इलाका है, पान माछ मखान से लेकर के यहाँ की बोली इतनी मीठी है, टूरिज्म के क्षेत्रों में भी जो है काफ़ी हद तक जो है यहाँ विकास किया जा सकता है, या मधुबनी पेंटिंग हो, हर तरह के चीज़ों को जो है अच्छे से खास तौर पे किया जा सकता है। तो हम लोग इसीलिए आए हैं ताकि हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं तो थोड़े मोड़े 2-3 हज़ार 4 हज़ार वोट से हम लोग कई जगह चुनाव हारते हैं। ये जो कम मार्जिन का जो आंकड़ा है, हम और समाज के लोगों को कैसे जोड़ें, हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सबको प्रतिनिधित्व देने का आगे आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे, और बिहार आगे बढ़े, मिथिलांचल आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। हर वर्ग के लोगों को परेशानी होती है, इसमें RJD का क्या स्टैंड है? इसमें साफ तौर पे हमने शुरू दिन से ही कहा था कि इसको और सरल और सुगम बनाने की ज़रूरत है। लैंड सर्वे जो हो रहा है, जो परेशानी कठिनाइयाँ हो रही हैं, जिसमें नियम कायदा है, इसको और सरल सुगम और थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की ज़रूरत है। तो लोगों की परेशानी जो है उसको डिटेक्ट करके उसको दूर करने की आवश्यकता, लोगों से बात करने की ज़रूरत है, एक समीक्षा की ज़रूरत है, समीक्षा के ज़रिए जो कमी है, जो लोगों को परेशानी आ रही है उसको दूर करना।